हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्रेंट वर्षा। मैं हूँ वर्षा अंतरी और आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ लिक्विड डो पराठा। लेकिन ये लिक्विड डो पराठा मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स का। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। ओट्स हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो क्यों ना हम लिक्विड डो से पराठा बनाएं जो मिनटों में बन जाए। बहुत सारे लोगों को पराठा बनाने के लिए प्रॉब्लम होती है, टाइम की कमी होती है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि डो बनाना फिर पराठा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो ये पराठा जो है वो हम लिक्विड डो से बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको रोलिंग पिन भी यूज नहीं करना है और ना आपको डो बनाना है, ना इसमें मैदा है। बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस रेसिपी है और आप मिनटों में पराठा बना सकते हो। तो चलिए बनाते हैं लिक्विड डो ओट्स पराठा। लिक्विड डो ओट्स पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम्स ओट्स। ओट्स का आटा भी आप ले सकते हो, मेरे पास ये क्विकर ओट्स है तो मैं इसी से आटा बनाऊंगी। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका आटा बनाएंगे। तो देखिए, ओट्स की पाउडर रेडी है। हम एक बोल लेंगे, बोल में ये पाउडर में मिक्स कर रही हूँ। बेसन मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून, या आप इसे 20 ग्राम्स बेसन भी कह सकते हो। फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब पराठा है तो पराठे में बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, थोड़ा सा ग्रीन चिली। ग्रीन चिली की जगह आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। सॉल्ट स्वाद अनुसार, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑयल। पानी हम बहुत थोड़ा थोड़ा डालेंगे और आटे को मिक्स कर लेंगे। लिक्विड डो है, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। अच्छे से हमने आटे को मिक्स कर लिया और इसे हम लगभग 5 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए रखते हैं, और तब तक हम तवा गर्म करने रखते हैं। गैस ऑन कीजिए और एक तवा रखिए। अगर आपके पास नॉनस्टिक रहेगा तो नॉनस्टिक रखिए, या आपके पास जो भी तवा अवेलेबल रहेगा आप उसका इस्तेमाल कीजिए। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल में डाल रही हूँ और अच्छे से ग्रीसिंग कर रही हूँ। 5 मिनट्स हो चुके हैं और देखिए बैटर काफी गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि इसमें ओट्स का इस्तेमाल करने की वजह से पानी पूरा सोख लेता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और पानी मिक्स करेंगे। बैटर जो है हमारा वो बहुत थिक नहीं होना चाहिए, नॉट थिन होना चाहिए, मतलब यानी कि पतला भी नहीं होना चाहिए बहुत, और एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखिए है ना। फिर हम इसका पराठा बनाते हैं। चलिए, तवा हमारा गर्म हो चुका है, लेकिन गैस आप एकदम मिनिमम पे रखिए और फिर इसमें बैटर पोर कीजिए। पराठा है, थोड़ा थिक ही होना चाहिए। ओट्स है तो हेल्दी है, जिन्हें डायबिटीज है वो भी इसे ले सकते हैं, जिन्हें पीसीओडी पीसीओएस थायराइड है वो भी इसे खा सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी में है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। फिर आप लीड लगा के इसे कुक होने दीजिए। ऊपर की साइड ड्राई होने के बाद आप लीड को निकाल दीजिए। थोड़ा सा ऑयल, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल में इसमें यूज कर रही हूं, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। और फिर आप इसे फ्लिप कीजिए और इसे अच्छे से कुक होने दीजिए। नीचे के साइड से इसे फ्लिप करते रहिए और अच्छे से दोनों साइड से कुक होने दीजिए। दोनों साइड से हमारा पराठा पूरी तरह से हमने सेक लिया है। बिना आपने बेलन का, रोलिंग पिन का इस्तेमाल किए, बिना आपने आटा या डव बनाए आपने पराठा आप बना सकते हो, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स में, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो लीजिए हमारा लिक्विड डो पराठा रेडी है ना, नॉर्मल पराठे जैसा ही। देखिए बहुत सॉफ्ट है ये, मैं आपको इसे तोड़ के भी बता सकती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है ना, नॉर्मल पराठे जैसा ही ये सॉफ्ट है। इसे आप लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो
तो आप इसे फर्स्ट मील में या लास्ट मील में ले सकते हो। अगर आप लो कार्ब में हो तो भी आप इसे खा सकते हो, क्योंकि इसमें ओट्स है और इसमें बेसन है ना। डिलीशियस, न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी रेसिपी, और वो भी मिनटों में। ये है बहुत ही इफेक्टिव वेट लॉस रेसिपी, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और आपके डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। अगर आपको ओट्स की रोटी नहीं बनानी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे बनाइए, आसानी से आप इसे बना सकते हो। बिना बेले, बिना आटे का डो बनाए आप इसे बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी है, स्वादिष्ट है और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। बना के देखिए और मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।